कोर्ट पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत से जो कि बदसलूकी का मामला सामने आया है और संसद की ओर से दी गई शिकायत में जो कि सामने आया है कि वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी और उन्हें फ्लाइट से दिल्ली आना था, लेकिन सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब वह बोर्डिंग के लिए जा रही थी तो इसी दौरान जो कि एयरलिस्ट जो कि कुलविंदर कौर और CISF जो कि यूनिट चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया और उसके बाद कंगना रनौत के साथ जो कि यात्रा कर रहे शख्स मयंक मधुर ने जो कि कुलविंदर कौर को थप्पड़ मारने की कोशिश की और आरोपी CISF कर्मी को जो कि हिरासत में ले लिया गया है। आप लोगों को वहीं बताना चाहेंगे जो कि कंगना रनौत दिल्ली पहुंचने वाली थी और जो कि वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जो कि ICF की जो कि महानिर्देशक नीना सिंह को उन्होंने घटना के बारे में जानकारी दी है और कंगना का दावा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर करंट जो कि एरिया में कॉन्स्टेबल कुलविंदर कौर ने जो कि उन्हें जो कि बहस की और उन्होंने थप्पड़ भी मारा। सिपाही कुलविंदर को जो कि सिखों कच्छ में हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो कि CISF जो कि द्वारा CCTV की जांच की जा रही है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत से हुई बदसलूकी मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM जयराम ठाकुर ने जो कि प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि किसी पर हाथ उठाने का हक नहीं है। और आपको बता दें कि बॉलीवुड की धाकड़ क्वीन जो कि कंगना रनौत अब राजनीति की भी क्वीन बन गई हैं और लोकसभा 2024 में BJP की उम्मीद जो कि कंगना रनौत ने मंडी जो कि लोकसभा सीट से चुनाव जीता है और कंगना ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि वीरभद्र सिंह को जो कि मौजूदा संसद के बेटे विक्रमदित सिंह को जो कि शिकायत देकर जीत पर जो कि परचम लहराया है। फिलहाल आप लोगों को बता दें एक बार फिर से कंगना रनौत चर्चा में आ गई हैं।